नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के राजस्थान दौरे की। हालांकि उससे पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और राजस्थान के दौसा में पुलिस को 65 डेटोनेटर, करीब 1000 किलो विस्फोटक और 360 जिलेटिन की छड़ों के साथ 40 बोरे जब्त किए गए हैं। इनका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए किया जा सकता था। आपको बताते चले कि एक जिलेटिन स्टिक का वजन लगभग 2.78 किलो होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस ने जिले के खान भकरी रोड के पास स्थित कथित तौर पर विस्फोटक की ढुलाई करने वाले एक वैन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 फरवरी को दौरा होने वाला है राजस्थान का, जहां पर वो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। आपको बताते चले कि दौसा पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री के दौरे के जो प्रस्तावित दौरा है उसको देखते हुए जिले में जो सतर्कता है वो लगातार बढ़ाई जा रही है और इसी के चलते गुरुवार को मुखबिर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों का जखीरा ले जाया जा रहा है, इसके बारे में सूचना मिली थी। और जैसे ही ये सूचना मिली, पुलिस टीम ने लगातार जो है इस बारे में ट्रैक करना शुरू कर दिया और जब यहाँ पर छापेमारी की तो पिकअप वैन को रोकने के बाद वहाँ पर डेटोनेटर, कनेक्टिंग तार और इसी तरह का अन्य सामान भी मौजूद था। आपको ये भी बताते चले कि पिकअप चालक जो जिसका नाम राजेश मीणा था, उससे जब लाइसेंस और परमिट मांगा गया तो उसके पास ना कोई कागज मिले ना ही कोई अन्य चीजें मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वाहन में कोई विशेषज्ञ ब्लास्टर और बिल पाउचर नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें मिली हैं इस आरोप से या फिर इन तमाम चीजों से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में राजस्थान के अंदर पीएम मोदी के रैली से पहले या फिर बाद में इस तरीके की चीजें हो सकती थी। फिलहाल पुलिस इस बारे में और ज्यादा जांच कर रही है और अगर सीमाओं की बात करी जाए तो ज्यादा चौकसी बढ़ा दी है और हर आने वाले जो वाहन है उसकी जांच भी की जा रही है और साथ ही साथ जो राज्य से बाहर से लोग राजस्थान में एंटर कर रहे हैं उनकी खास तौर पर चेकिंग की जा रही है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर थी और तमाम खबरों को रूबरू रहने के लिए, जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।